हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं एनके आनंद आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की क्लास करने वाले हैं, आज हम लोग साधारण ब्याज की क्लास करने वाले हैं। तो सभी कोई फटाफट लाइव आ जाइए और सभी कोई वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी कोई वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट सभी कोई शेयर कर दीजिए, एक दूसरे को जोड़ने का काम कीजिए। और आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की क्लास करने वाले हैं, यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। जल्दी से सभी कोई लाइव आ जाइए फटाफट। शांति बनाए रखो सभी कोई, हल्ला मत करो कोई, बता दिए हल्ला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए सब जल्दी जल्दी सभी कोई लाइव आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी कोई। चलिए तो चला तैयार हो पढ़ने के लिए, शुरू किया जाए। मन लगा के पढ़ोगे ना? तो चला जी, सिंपल इंटरेस्ट में हमें तीन चार बातें पढ़नी होती है। ठीक है, क्या क्या पढ़नी होती है वो सुन लीजिए, पहले सुन लो ध्यान से। एक तो चला जी, हमारा सिंपल इंटरेस्ट में जो है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो हम बोल रहे हैं यानी कि साधारण ब्याज, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा चला मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद चला जी आता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, इनके बारे में भी जान लेना चाहिए। ठीक है, जानकारी होगी तभी तो बनाओगे कि ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, ये सब पता रहेगा तभी ना बनाओगे सवाल। और चला जी समय टाइम को तो सबको पता होगा, समय है ये भी इनमें आता है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। और चला जी ब्याज की दर, क्या ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। और चला जी और होता है हमारा मिश्र धन, मिश्र धन यानी कि अमाउंट, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। अच्छा एक बात बताओ कि साधारण ब्याज चला कहता किनको है, ये जानते हो कोई? किन्हीं को मालूम है साधारण ब्याज कहते किनको है, ये किसी को मालूम है तो बता दीजिए जल्दी से। जानते हो चला है? जानते हो नहीं जानते हो? साधारण ब्याज क्या होता है नहीं जानते हो? मूलधन जानते हो? प्रिंसिपल, मूलधन किसे कहते हैं ये जानते हो? है ये भी नहीं जानते हो? अच्छी बात है। साधारण ब्याज चला क्या होता है, जब ब्याज का परिकलन, ठीक है, जब ब्याज का परिकलन प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष मतलब कि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक साल, ठीक है, प्रतिवर्ष मूलधन पर किया जाता है, तो वैसे ब्याज को हम लोग क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। वैसे ब्याज को क्या बोलेंगे चला? साधारण ब्याज। क्या बोले हम? साधारण ब्याज पूछेगा कोई तो क्या जवाब दोगे बताओ? भूल गया अभी तुरंत ना बताए? अरे कान में रुई दे के आया है तो सुनेगा कैसे? बोले चला जी जब ब्याज का परिकलन, ठीक है सुनना ध्यान से, जब ब्याज का परिकलन प्रतिवर्ष मूलधन पर किया जाता है, प्रतिवर्ष मूलधन पर किया जाता है, तो वैसे ब्याज को हम लोग क्या बोलेंगे चला? साधारण ब्याज। वैसे ब्याज को क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। ठीक है,
अर्चला जी, दूसरा बात आता है मूलधन का, यानी प्रिंसिपल। मूलधन क्या होता है जानते हो? मूलधन किसको कहते हैं? तो चला जी बोलेंगे, जो राशि हम लोग उधार लेते हैं ना, उधारी लेता है ना, नहीं लेता है, जो हम लोग राशि उधार लेते हैं, और उधार जैसे कि मतलब लोग कर्ज कर्ज कर्जा लेते हैं ना जी, जब हम लोग कर्जा लेते हैं तो वही हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। यानी कि समझो कि उधार ली गई राशि क्या होती है? मूलधन होती है। ये ना होगा, अब ब्याज किनको कहता है? चला इंटरेस्ट, ब्याज किनको कहता है? अरे ब्याज वही ना हुआ, जैसे कि तू हमसे लिया 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया लिया ना, बांध दिया कि 5% लेंगे 100 का बदला में, 5% और ऐड करके लेगा, यानी कि 100 रुपया तो मूलधन तो दिया, देवे किया, और उसमें क्या किया, इंटरेस्ट जोड़ के दिया। अब तुम जितना महीना जितना साल रखोगे उतना हमको 5% देगा, ये ना होता है ब्याज, ठीक है। और दूसरा चला टाइम। टाइम क्या होता है? समय, ये तो सभी को मालूम है समय, ठीक है। अब ब्याज की दर क्या होता है? चला बताओ ब्याज की दर क्या होता है? अभी जैसे बोला ना रे कि 5% सैकड़ा लेंगे, सुना भी होगा गांव घर में, ब्याज उन्हीं को नहीं बोलते, उसकी उसका दर, यानी कि 100 रुपया का 5% लेगा वो। अब तुम 10,000 लिया है या 1,000 लिया है, तो 1,000 में चला 10 नंबरी होता है ना, तो उसका 50% बन गया, 1,000 में नहीं बना 50%, 5% सैकड़ा लेगा, यानी कि सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100 ना, तो 100 पर अगर वो 5 रुपया लेता है, अधिक ब्याज लेता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 पर अगर 5 रुपया अधिक लेता है, तो वही ना हो गया ब्याज की दर है जी। यानी कि 100 रुपया हमसे वो लिया, अब वो हमको लौटाएगा कितना, 105 रुपया, क्लियर है। अब मिश्रधन चला होता है अमाउंट। मिश्रधन क्या होता है? चला अमाउंट। अब मिश्रधन क्या होता है? जो मूलधन की जो राशि होती है और जो ब्याज की जो राशि होगी, उन दोनों को अगर जोड़ दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा? चला मिश्रधन बन जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। उन दोनों को मिश्रधन क्या, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज ये दोनों को अगर हम ऐड कर दे चला, तो क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। क्लियर हो गया सभी को? हाँ, समझ गए ये 4-5 बातें? अब चलिए चला जी, हम लोग डायरेक्ट सवाल बनाएंगे आज, ठीक है। तो हम लोग सवाल बनाते हैं, चलिए पहला सवाल है आप लोगों का। चला जी पहले चेयर को जो, तू उल्लू का पट्टा है, गधा है, कितनों में दे, चुपचाप आके बैठो ना अभी है, अरे बैठ जा यार, समझाओ उसको कि हम क्या बोल रहे हैं, कौन है और कौन है, है? तो तू क्या बकर बकर कर रहा है, कॉपी कहाँ है तुम्हारा, तू यहाँ बैठा कहाँ है, जाके कॉपी लेके आओ, नाश्ता पानी लगा दें, हैं? हो देखो 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 गधा। चलिए चला जी, आप लोगों का पहला सवाल है जो कि नवोदय में पूछा गया सवाल है, ठीक है, जो कि नवोदय में क्या है चला, पूछा गया सवाल है, लिखना है 14,500 रुपया पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है 14,500 रुपया पर। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना तब बनाना। 14,000 रुपया पर 3 पैसे प्रति रुपया, ठीक है, 3 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से, प्रति मास की दर से, की दर से क्या बोला जा रहा है चला,
दर से 3 मास का साधारण ब्याज क्या होगा? दर से 3 मास का साधारण ब्याज क्या होगा? जल्दी से बता दो चला जी। इसमें चला पहले ये पकड़ो कि दिया क्या क्या है, ठीक है? इनमें से पहले ये पकड़ो कि दिया क्या क्या है, और हमने चारों बातें बता दी आप लोगों को। एक होता है साधारण ब्याज, ठीक है, यानी कि ऐसे इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, ब्याज भी बोल सकते हो, ठीक है। दर होगा, मूलधन होगा, मिश्रधन होगा। इसके अलावा अतिरिक्त और कुछ होने वाला है इसमें? और कुछ होगा इसमें? नहीं होगा। तो चला जी बिल्कुल बेबिंदास बनाइए। तो चला जी इनमें थोड़ी सी बात ध्यान में दीजिएगा कि दिया क्या क्या है। अगर आप लोगों से बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर हमें थोड़ी सी ऐसा हम बता दे क्या है, देखो बता दे। अब देखो चला जी, इस 14,500 रुपया है ना, सर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पकड़िए। 14,500 रुपया पर 3 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से, ठीक है। अब यहाँ समझ जाओ फट से, इस 14,500 रुपया जो है ये हमारा क्या हो गया चला जी? मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन हो गया। मूलधन बराबर 1450, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो चला, क्या कर रहा है? 1450 रुपया पर, ठीक है। क्या कर रहा है? 3 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से, यानी कि हम बोलेंगे चला कि दर हमारा क्या हो गया? 3, ठीक है। दर से 3 मास का साधारण ब्याज क्या होगा? मास ब्याज क्या हो गया है? समय क्या हो गया? ये तो ब्याज नहीं है, समय है ना, है 3 मास बोल रहा है, यानी कि टाइम हो गया। तो चला जी समय कितना हो गया? समय कितना हो गया? 3, ठीक है। अब निकालना क्या है चला जी? साधारण ब्याज ना, तो साधारण ब्याज बराबर चला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे का 100, निकल जाएगा। इजी है, इजी है ना, निकल जाएगा। अरे हल्ला मत करो, क्या रे पालमान जी बना क्वेश्चन छाप रहे हो? आ हा हा, जल्दी से छाप ले। क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यही ना, मूलधन, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, समय गुना दर बटा में 100। मूलधन कितना है चला? 14,500, यही ना, समय 3, दर भी 3, बटे में 100, 0000, कहानी खत्म। 3 तिया ही 9, 9 5 कैरी 4 नरे, 9 चौके 34, 36 4 40 कैरी हासिल। चलो पगला उगला गया है कि नशा भांग करके आया है। चलो 40 कैरी 4, 40 कैरी 0 हासिल 1 है, 4 तो 9 एकम 9 4 1305। बबुआ क्लियर है? जस्ट इसी प्रकार सवाल दे दें, जस्ट इसी प्रकार सवाल दे दें, बना लोगे? क्या रे कच्चा बादाम सब कहो, कच्चा बादाम बनी? ओ देख लटक गया ना, लटक गया, कोई बात नहीं, थोड़ा डोरे काट देंगे। चलिए 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 चलिए, क्या बनाने देते दूसरा? बन जाएगा। ऐ पेट पुटिया साहब जल्दी से इनको छाप, इतना लेट करेगा तो होगा? हल्ला मत करो, हल्ला मत करो।
अरे रुक जा, हल्ला मत कर, तू काहे हड़बड़ा रहा है, बौला होगा तू, चल पीछे उठा के फेंक देंगे वहां, बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाएगा, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बबुआ ये थोड़ा ये सबको जो है ना पहले से तैयार करके रखो, रेडी करके रखो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये भी हमको करना पड़ेगा। तो बताओ टाइम जाएगा कि नहीं, क्लास स्टार्ट होने के बाद जानते हो जब एक बार क्लास स्टार्ट हो जाती है ना तो बीच में मुझे नोक झोंक नहीं चाहिए, हमें पसंद नहीं होती है, ठीक है। एक घंटा पढ़ना है, उसमें पौने घंटा हम लोग बातें कर लेंगे, कामें कर लेंगे, तो पढ़ेंगे कितना देर, कितना देर पढ़ेंगे, उस दिन कट्टा मास्टर है हम, दिन काटने वाले नहीं है। पेमेंटवा जो देता है ना चला, तो उसका जो है ना चूस चूस के वसूल करो। क्या समझा, यही बतवा हम कल स्कूल में भी बोल रहे थे ना तुम लोगों के पास क्लास में। बताओ कितना गर्व से कहती थी सर आठवां में पढ़ते हैं आप। हाँ जी आठवां में पढ़ती है और बात करने का अकल नहीं है। अभी तक ऐसे बात किया जाता है क्या, ऐसे बात करते हैं? कोई मेहमान अगर तुम लोगों के घर आएगा तो क्या करोगे, चेयर दोगे ना जी, पानी दोगे ना, नहीं चलता बनता तो एक कप चाय पिलाओगे ना, कि करेगा कि उसका पिछवाड़ा प्लाद मार के बोलेगा चल निकल, कुछ नहीं जम रहा हूँ है नहीं ना। नहीं तो किसी दिन दे देना, क्या होगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 300 रुपया पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, इजी है चला, इजी है ना, 300 रुपया पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ऐसे लिखना है 300 रुपया पर 6%, बहुत इजी है चला जी, जल्दी से बना लीजिए। वार्षिक वार्षिक ब्याज की दर से ना, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, हाँ ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.1/2, ठीक है। वर्ष का ब्याज होगा, वर्ष का यहाँ वर्ष लिख दे रखते हैं, वर्ष का ब्याज होगा, जल्दी से चला जी, जल्दी से चला जी, यार क्या होगा, हमको क्या पढ़ा रहा है, तू पढ़। जल्दी से बताओ इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है निकालने के लिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया निकालने के लिए, जल्दी से बताओ। चलिए सभी कोई आंसर दीजिए फटाफट, तो ऑनलाइन में से सभी कोई फटाफट आंसर दीजिए, और सभी कोई जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक दूसरे को जोड़ते रहिए, ठीक है। चलिए प्रियांशु कुमार का आंसर आ चुका है 45 का, प्रियांशु कुमार का आंसर आ चुका है 45, रूपम कुमारी का भी आंसर आ चुका है 45। क्या कर रहे रे बकलोला सब, जल्दी से आंसर देना, क्या कह रहा है उसमें, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को तो पढ़ो, खाली इधर उधर अगर नाम चेंज। अच्छा एक बात बताओ, 20 सालों से मुझे जान रहा है सब कोई कि सर का नाम है एनके आनंद, हाँ अगर हम एनके छुपा दे और आनंद आनंद करने लगे तो क्या करोगे, हमारा पूरा नाम है भूल जाएगा, तुम लोग पूरा नाम भूल जाओगे नहीं, तो वही ने बतवा है वहां पे, वही ने बतवा है वहां पे, क्वेश्चन को पढ़ो सही से। चलिए प्रीति कुमारी का भी आंसर आ चुका है 45 का, प्रीति कुमारी का भी आंसर है 45 का। चला जी इसमें अभी कुछ नहीं करना है, वही करना है, साधारण ब्याज ही निकालना है, बस समझिए आप लोग, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब बिना समझे चला उद्धार नहीं है, क्या कर रही है वो लड़की, देखो बबुआ
हम मेरा कहना यही एक ही है, एक ही घंटा पढ़ना है ना, एक एक घंटा ना पढ़ते हो हैं, आ एक घंटा का टाइम है पढ़ने का, आधा घंटा हम लोग बातें ही करते हैं, तो उसमें आधे घंटा ना पढ़ना है आधा ही घंटा पर डे पढ़ता होगा, या तो फिर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट 40 मिनट ही पढ़ते होंगे, पूरे का पूरे घंटा हम लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अगर चला इनमें से भी अगर सही से नहीं पढ़ोगे ना, तो फिर सोच लो कि हमारा काम क्या है, हम तीनों चारों फार्मूला लगा देंगे तू लोग के ऊपर, फिर तो पढ़ेगा ना अजंता है। जब लग जाएगा मेरा फार्मूला तो ना दिन को चैन है ना रात को चैन है, जानते हो ना। तो पढ़ाई करो और पढ़ो, और चुलबुल चुलबुल के तरह मत किया कर। चलिए कोमल यादव का भी आंसर आया है 45 का। चला जी बताइए 300 क्या है? गुड, 300 क्या है? मूलधन। आई 6% क्या है? चला है 6% क्या हो गया? दर कितना हो गया हमारा? 6%, यानी कि 100% में है, यानी दिए हैं। अच्छा 100% में चला 6% ले रहा है, ठीक है। और टाइम कितना चला? समय कितना है? 2 पूर्णांक 1/2, यानी कि हम चला बोल सकते हैं क्या 5/2। ये हो गया ना, साधारण ब्याज बराबर चला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? चला मूलधन गुना समय गुना दर बटा का 100। मूलधन कितना है? चला 300। समय कितना है? मेरा बन गया 5/2, ना तो 2 नीचे लगा दे यार। और क्या है? चला दर कितना है? 6 ना गुने का 100। ये देखो 2 0 टपक तो यहाँ भी 2 0 टपक तो यहाँ 2 1 2, 2 3 6 हो गया, 5 3 15, 15 3 45 हो गया। चला सभी का इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ। चलो एक इसी प्रकार का जस्ट क्वेश्चन, जब तक क्लियर नहीं तब तक हुआ मत किया कर, हमें बड़ा गुस्सा आ जाएगा तो फिर हम थोड़ा जानता है कान का गुज्जू निकाल देंगे, बाहर मारेंगे इधर से, हड़ाक से इधर से निकल जाएगा, नहीं हमको क्लियर चाहिए। बकवास बंद करो। चलो ये हो गया ना, हो गया ना, अब बोलना रे बकलोला। चलो हम इसका लास्ट लास्ट में जो ना आपको हम इनके सारे फॉर्मूले को लिखा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अभी फिलहाल सवाल को बना लीजिए, ठीक है ना। चला हाँ? अब चला एक क्वेश्चन और है, जरा उनको बना कर दिखा दीजिए। क्वेश्चन यही है चला मेरा कि प्रेम शंकर आहूजा किसी बैंक से, क्वेश्चन लिखिए, नाम लिखिए कितना सुंदर है, क्या नाम है, तब तक क्वेश्चन लिखिए तो हम लिखा रहे हैं, मैं मार्कर का इंक खत्म हो चुका है। प्रेम शंकर आहूजा ने, सभी कोई क्वेश्चन लिखिएगा ऑनलाइन वाले में से, सभी कोई भी क्वेश्चन लिखिए लिखिए, हल्ला नहीं करेगा, एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, जब तक हम आदेश ना करें तब तक नहीं निकलना चाहिए। क्वेश्चन लिख रहा है ना तो कुछ मत बोलना, नहीं तो दूसरे को भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, प्रेम शंकर आहूजा, जल्दी से लिखिए, प्रेम शंकर आहूजा किसी बैंक से, प्रेम शंकर आहूजा किसी बैंक से 1500 रुपया उधार लेता है, 1500 रुपया उधार लेता है, यदि बैंक की ब्याज दर, यदि बैंक की ब्याज दर, यदि बैंक की ब्याज दर
11% वार्षिक हो, 11% वार्षिक हो, तो दो वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, तो दो वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। सभी कोई इनका आंसर दीजिए फटाफट। जल्दी से आंसर दीजिए। अल्लाह ने गुड। चलिए चलिए देखिए, प्रेम शंकर आहूजा किसी बैंक से 1500 रुपया क्या करते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है। यदि बैंक की ब्याज दर 11% वार्षिक हो तो दो वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, प्रियांशु कुमार का आंसर है 330, रूपम कुमारी का भी आंसर 330, कोमल यादव का भी 330, ऑफलाइन के सारे बच्चे का भी आंसर 330। चलिए बनाकर देखते हैं, तभी बिलीव होगा, ऐसे बिलीव नहीं, भरोसा नहीं है आप लोगों पर, भरोसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग बार बार उम्मीदें को तोड़ देते हैं। प्रेम शंकर आहूजा किसी बैंक से 1500 रुपया उधार लेते हैं। चला जी बोलिए, मूलधन कितना हो गया? मूलधन बराबर 1500 रुपया, यही ना। यदि बैंक की ब्याज दर 11%, ये तो सभी को साफ साफ दिख रहा है कि दर 11% है ना चला, तो दो वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, यही ना। समय कितना हो गया? दो वर्ष। क्या क्या बुला रहा है रे, समय को बोल देते टमय रे है? समय को कैसे बोल दिया अभी, टमय बोल दिए ना, कभी कभी चला हो जाता है, ठीक है। तो चला जी, सबसे पहले आप लोग साधारण ब्याज को निकाल लीजिए, यानी कि ब्याज, ठीक है, बराबर चला जी बोलेंगे कि मूलधन गुना समय गुना दर होता है सर जी, क्लियर है ना, बटे में 100, बोलेंगे कि मूलधन कितना है 1500, समय कितना है तो 2 वर्ष, दर कितना है तो 11, बटे में 100, किसे किसे समझ में आ रही है वो भी बता दीजिएगा, नहीं तो मारेंगे चमड़िया हेल तक, ठीक है। 15 दूना का 30 हो गया ना चला, 11 तिया कितना होगा 33, एगो 0 है 30 कट लगा दीजिए, अभी दम मारो यार, ये परफेक्ट आंसर नहीं है, बौला काय हो रहा, लौटानी पड़ेगी, समझ में आ रहा है। ये तो इतना पैसा वो लिया है बैंक से 11% की दर पर, 2 वर्षों का कर्ज दिया है उनको, अब 2 वर्षों के बाद वो कितना पैसा लौटाएगा उनको, ये पूछा गया है। ये तो तुम ब्याज ना निकाला जी, कितना 330, 2 वर्षों में उसको 330 टका देना होगा, तो लिया कितना है 1500 ना, तो टोटल देगा कितना, 1830 रुपया। अरे बकलोला, 1000 तू हमारा से लिया, अब बोला कि 1 महीना में दे देंगे, हम बोले नहीं 10 टका लेंगे 1000 में, 1000 10 लेंगे, देगा मंजूर है तू बोल, तो तू हमको 1000 लौटाएगा, उस
आ तू लोग क्या कह रहा है कि ससुराई 1500 बैंक से लेबे किया, लौटाएगा 300 का है घन चक्कर। चलिए मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, चला मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर जी मूलधन प्लस का ब्याज हो जाएगा ना, तो मूलधन हमारा 1500 और ब्याज कितना चला 330। इन दोनों को जब जोड़िएगा तो 1830 रुपया हो जाएगा। हाँ सर चला समझ में आया, तो लौटाई गई राशि कितनी हो जाएगी 1830, लौटाई गई राशि 1830। अब बता केकरा केकरा समझ में नहीं आया, समझ में आया? अरे अब दे दीजिए अच्छा, और कहा रहे ननमोहन ऐ धोड़ी छाप, धोड़ी तोड़ी मत दिखाया, अभी मारवे करेंगे समझा। देखो देर मतलब कि क्या समझ रखा है, क्लास है ना कि धर्मशाला है, नहीं ना तो सो जा, नहीं पढ़ना है ना तो कोई एक तो कोना पकड़ लो, बहुत सारा कोना है यहाँ है ना रे, कोई एगो कोना पकड़ लो और चितांग हो जा। क्या करने जाएगा, एक मिनट, एक मिनट क्या होता है सुसु, चल निकल कहता है गजब गजब सब है। अच्छा अभी तो रहा को सुसु निकालते हैं, रुक जा। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चला जी। किसी धन का साधारण ब्याज, इसको मिटा दें, इसको डिलीट करें, ए उतारी गए, उतार ली, उतारा रे है ठीक है। चलो 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 जल्दी से बनाइए, बनाना क्या है चला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे कितने धन का साधारण ब्याज लिखना है, अब रुक जा कि चल कितने कितने धन का ही बोले तो कितने धन ही लिखेंगे ठीक है। कितने धन का साधारण ब्याज, कितने धन का साधारण ब्याज, चला जी एक दिन फ्री होकर आइए, क्लास का मरम्मत कर दीजिए। साधारण ब्याज कितना है 6% की दर, यही है ना, क्या बोल रहा है भाई, 6% की दर से 5 वर्ष में 150 रुपया हो जाएगा। वाह, दर से 5 वर्ष में चला जी कितना हो जा रहा है 150 रुपया हो जाएगा। चलिए जल्दी से इनका आंसर दीजिए सभी, कोई बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे तो क्वेश्चन को पहले पढ़ तो बढ़िया से कि क्या कह रहा है, कितने धन का साधारण ब्याज। अब चला जी क्वेश्चन को पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा क्या बोला है, कितने धन की साधारण ब्याज 6% की दर से 5 वर्ष में 150 रुपया हो जाएगा। अरे बकलोला मूलधन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, नहीं मालूम तो सभी कोई फटाफट मूलधन बराबर सूत्र को लिख लीजिए, सभी कोई लिख लीजिए मूलधन बराबर सूत्र। मूलधन बराबर होता है 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज बटे में समय गुने का दर, ठीक है सभी कोई लिख लीजिए मूलधन बराबर। मूलधन बराबर सभी कोई लिख लीजिए, देखिए मूलधन बराबर 100 गुना ब्याज, ये होता है चला, अब बटे में 100 समय गुना दोरो दर बन गया। चलिए इधर भी आंसर आ चुका है, प्रियांशु कुमार का आंसर है 750, रूपम कुमारी का भी आंसर है 750। चलिए चला जी जो जो दिया हुआ है पहले उनको उतार लीजिए।
चलिए दिया क्या क्या है, चला वो ध्यान दो, दिया क्या क्या है तो देखो चला जी बड़ा ध्यान से। 6% की दर है ना, पहली बात तो पकड़ में आई कि दर है। 5 वर्ष है ना चला, यानी कि टाइम है, 150 रुपया हो जाएगा ना तो ये हमारा क्या हो गया चला, इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया ना, साधारण ब्याज हो गया, यानी कि साधारण रुक जा हल्ला काहे कर रहा है। देखो चला जी तो दिया क्या क्या है, तो बोलेंगे सर जी साधारण ब्याज दे रखा है हमारा 150 का, यही ना, साधारण ब्याज हमारा 150 रुपया दे रखा है, ठीक है। दूसरी बात सर जी दर भी दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है, तो बोलेंगे सर जी 6%, और समय दे रखा है चला जी 5 वर्ष, यही ना, समय दे रखा है 5 वर्ष। तो अब चला जी इसको बनाने में कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी होगी तो बना लीजिए ना जल्दी से। चलिए कोमल यादव का आंसर आया है 500, ठीक है कोमल यादव जी का है 500। चलिए चला जी देखो, देखिए थोड़ा सा 100 तो 100 हो जाएगा, ब्याज कितना है चला, तो बोलेंगे सर जी 150 का है, 150 लगा दीजिए। समय कितना है, तो बोलेंगे सर जी 5 है, और दर कितना है, तो बोलेंगे सर जी 6 है। क्लियर है सभी को? अब देखिए चला जी इसको कटा दीजिए, कटा दीजिए 6, अब पहले देखिए ऐसे कर लीजिए 6 × 5 कीजिएगा 56, 30 होता है ना, है 30 होता है ना, 30 है तो 5 बार में 30×50 150 हो जाएगा, यानी कि दोनों को कटा दीजिए 5 बार में, कट गया 30×50 150 हो गया ना, तो 100 × 5 कीजिएगा तो कितना होगा, 100 × 5 कीजिएगा तो कितना होगा 500 होगा, तो हम बोलेंगे सर जी 500 लिख लीजिए, 500 लिख लीजिए। क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो चलिए ये हमारा चला जी क्या निकला, क्या निकला, मूलधन निकला, क्या निकला, मूलधन निकला, समझ में आ गई, मूलधन निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चला जी तैयार रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। तो बना लिए ना, समझ में आई, दूसरा क्वेश्चन दे दे, बना लोगे पक्का 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कितने समय में 600 रुपया का ब्याज 4% बनाओ, कितने सकी थोड़ा झलका ना, क्लास ले रोचे चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जल्दी से सभी कोई जवाब दीजिएगा, ठीक है। कितने समय में 600 रुपया का ब्याज, यहां लिख देते हैं क्वेश्चन को, हल्ला मत करो चला हम बता रहे हैं, कितने समय में क्या बोले चला, 600 रुपया का ब्याज, कितने समय में 600 रुपया का ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है चला, ब्याज की दर से 48 रुपया होगा, ठीक है 48 रुपया क्या होगा चला,
होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन को पहले पकड़ना है, कितने समय में क्वेश्चन को पकड़ना है, रेर बकलोला क्वेश्चन को पकड़ना है, कितने समय में 600 रुपया का ब्याज, कितने समय में 600 रुपया का ब्याज जो है 4% वार्षिक ब्याज की दर से हमारा चला कितना हो जाएगा, 48 रुपया हो जाना चाहिए। क्लियर है? अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, तुम लोग यहाँ ध्यान दो, अकाल नहीं है क्या, निकाल क्या क्या दिया, क्या क्या है वो देखो ना, सब समय का सूत्र क्या देंगे, सूत्र बनाना पड़ता है, बनाओ। ऐसे अगर सूत्र पर निर्भर रहेगा तो सवाल बनेगा जी, सूत्र पर निर्भर रहोगे तो बनेगा, दिमाग भी थोड़ा लगाना पड़ता है, देखो पहले कि दिया क्या क्या चीज है, उन्हीं में से सूत्र निकल जाएगा अपने आप। समझ में आई बात? बकलोल कहीं का, अरे गधो मूलधन दे रखा है हमारा, ब्याज दे रखी है, दे रखा है ना, और क्या दे रखा है, समय कहाँ है वे, समय तो ज्ञात करना है ना, समय हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखा है और दर दे रखा है ना, तो समय ज्ञात करना चला तो कुछ नहीं है बाबू, तो समय बराबर लगाओ, लगा रहे नहीं सीखेगा तुम लोग, हम जानते हैं नहीं सीखेगा, सीखने का इच्छा नहीं है। समय बराबर लगाओ, 100 गुना ब्याज बटे का मूलधन गुना दर, तोरा से पहले फास्ट आंसर देता है ऑनलाइन वाला सर, सब कोई आंसर दे के बैठिए, बकलोल कहीं का, अब सब चीज हम ही बता देंगे तो तुम लोग बनाएगा क्या, अपना दिमाग तो लगाओ हैं? अपना भी तो दिमाग लगाओ, कितने समय में 600 रुपया का ब्याज 4% वार्षिक दर ब्याज की दर से 48 रुपया होगा, मूलधन बराबर 600 रुपया है, ब्याज बराबर 48 रुपया है, दर हमारा कितना है 4%, कितना आया आंसर, दो, क्या दो, क्या समय, दो सेकंड है, दो सेकंड आया, दो घंटा आया, बकलोल नतन, ब्याज जो है ना वर्षों पर लगाया जाएगा, या तो 3 माही लगाता है या 6 माही लगाता है, इसके अलावा और कुछ लगाता है, दो वर्ष बोलो बकलोल कहीं का, दो घंटा बोल रहा है, है। चीत खोपड़ की तरह करेगा, चला जी एक बात बताएं, तू लोगों को जो है ना क्या बोलते हैं, 100 जूता रोज लगाना चाहिए तब समझ में आएगा, प्यार की बातें समझ में नहीं आती है जल्दी ना रे, प्यार की बातें समझ में नहीं आ रही है ना, जिस दिन लगाएंगे ना उस दिन नानी दादी काकी मामी मौसी सब याद आ जाएंगे, भूल गया है, भूल गया है तो पीछे वाले डब्बे से पूछो तो कि मेरा फॉर्मूला क्या है, वो बताएगा, जरा सा खड़ा होके बता देखो, क्या बोल रहा है, अच्छा चीर देंगे फाड़ देंगे धर के रगड़ देंगे, नमक धय के घसड़ देंगे ना रे, अच्छा ये फॉर्मूला है मेरा फॉर्मूला बहुत बढ़िया बनाया है, चलो एक काम करो, तुम लोग पहले फॉर्मूले को लिख लो तभी कुछ होगा, पहले इस सवाल को बना दें हैं, तो देखो मूलधन कितना दे रखा है, चला मूलधन कितना 600, दर कितना 4%, और क्या दे रखा है, ब्याज 48, ब्याज दे रखा है 48, ज्ञात क्या करना है, समय, समय ना, तो समय बराबर फॉर्मूला लगा लो, चला क्या लगाओगे, 100 गुना ब्याज, दर गुना मूलधन गुना क्या बोला, मूलधन गुना दर, गधा है क्या रे, 100 का 100 लगाए, ब्याज कितना है 48 है, और मूलधन कितना है, दर कितना है 4 ना, तो 2 0 2 0 है, चला हो गया ना, 8 6 4 2 ना, तो 2 वर्ष हो गया, क्लियर है।
है, क्लियर है सभी को? चलिए सबसे पहले आप लोग जो है ना सूत्र को लिख लीजिए, जल्दी से उतारो फटाफट। चलिए आज सूत्र भी नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि टाइम हो गया और आगे भी मेरा क्लास भी है। चलिए जरा सा हमें ये बता दीजिए, इनमें से किस किस के भाई बहन अभी फिलहाल टेंथ में है, जरा सभी कोई बता दीजिए, क्योंकि टेंथ का क्लास आज लाइव होने वाला है मैथ का। टेंथ के लिए, टेंथ का जो जो भी तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आज के क्लास में ज़रूर आइए, लाइव होने वाले हैं, ठीक है। और जो जो भी आपके आसपास हो टेंथ का, आप उनको आप लोग जानकारी दीजिएगा। और आज जो है, आज हम लाइव आएंगे आप लोगों के बीच टेंथ का मैथ को लेकर 1 बजे, ठीक है, 1 बजे लाइव होने वाले हैं टेंथ का मैथ लेकर। और वो जो टाइम है, ये टाइम फिक्स नहीं है, ये टाइम फिक्स नहीं है टेंथ के लिए अभी, तो जब तक नहीं होता है फिक्स तब तक 1-2 दिन जो है इसी पर चलना है, 1 बजे के ही टाइम पर, उसके बाद उनको फिक्स टाइम दे दिया जाएगा। तो जो जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। गुड, बोलने का चला क्षमता नहीं रहा, इतना बोलिए जाते हैं ना, नस दोनों सूख जाता है, क्या होता है चला सूख जाता है, काम ही नहीं करता है, बढ़िया आ जाता है गौरवा के तरह। अरे गौरव, वो तो ससुराल लगता है कि भांग खा के आता है, कंजेड़ी है क्या रे, भंगेड़ी है तब क्या है, मतियाइल रहता है, मतायल रहता है दर ससुराल। चले जल्दी से बता दीजिए, टेंथ का स्टूडेंट आप लोगों के पास है क्या, या अभी के क्लास में कोई टेंथ का भी है, ये बताइए जल्दी से एक बार बता दीजिए, टेंथ का है कोई आप लोगों के पास? जल्दी से बता दीजिए, प्रियांशु कुमार नहीं, अब प्रियांशु कुमार नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, नहीं है तो नहीं है। और किन्हीं के पास, किसी के भी घर में, जिस किसी के भी घर में टेंथ का विद्यार्थी है वो जरा बताइए मुझे। जो जो भी टेंथ का स्टूडेंट है उनको इस चैनल से जोड़ दीजिए, हर किसी का 90+ मार्क्स, हर किसी का 90+ मार्क्स की गारंटी है मैथ में। क्या वो चला, अच्छा तू लोग डब्बा लेके आया करो, इस तरफ परेशान हो जाएंगे तुम लोगों को, 1 मिनट छुट्टी देते देते डब्बा लेके आयो सभी कोई डब्बा क्या मंग रहा। चलिए गुड़िया कुमारी, शायद आपने ध्यान नहीं दिए हैं कल की बातों पर, क्लास में आपने ध्यान नहीं दिया कल की बातों पर, आपने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, आप मिस कर चुके हैं आज की क्लास, और ये क्लास आप अभी समाप्त होने वाली है, समाप्त हो चुकी है और आप समाप्त होने पर आए, तो क्लास मिस कर चुके हैं आज। हम कल आप सभी को बोल चुके थे कि कल से क्लास 6 बजे होगी और आप अभी आए हैं, चलिए कोई बात नहीं है, वीडियो अपलोड रहेगी, वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को जाके देख लीजिएगा और कल से 6 बजे आइए,
कल से 6 बजे आना है। हाँ, सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अगर किसी के घर में या किसी के घर के आसपास भी कोई स्टूडेंट है 10th का, तो आज सभी को एक्टिव रहने के लिए बोलिए दोपहर के एक बजे 10th का मैथ को लेकर लाइव आने वाले हैं, तो सभी को थोड़ा एक्टिव कर दीजिए, वो आ जाए और कुछ सीख कर जाए, ठीक है। और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। और आज की क्लास जो है 10th का हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो चैप्टर होगा ट्रिगोनोमेट्रिक का, यानी त्रिकोणमिति के चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और अक्सर बच्चे को बोरिंग लगता है त्रिकोणमिति, इसलिए हम उसको पहले उठा कर लाए हैं। कौन कहता, हम उसको ईजी बनाने के लिए आए हैं। कौन कहता है कि वो चैप्टर बोरिंग है? बोरिंग तो उनके लिए है जो ध्यान नहीं देता है, जो पढ़ता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरे साथ रहिए, हम आपको जो है ना उस चैप्टरों में इजी बना देंगे। धुआं धुआं कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर गणितों का बादशाह बनना है तो आप सभी को इनके आनंद के साथ आना जरूरी है। आइए, चलिए। नो सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं है, हम ये थोड़ी बोले कि अच्छा नहीं लगता है किसी को, हम तो ये बोले कि बहुत ही लोग ऐसे कहते हैं कि त्रिकोणमिति जो है बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, कोमल यादव, 10th का क्लास हम भी करेंगे सर जी। कोई बात नहीं है, बिल्कुल कीजिए और करना भी चाहिए। तो 10th का क्लास करने के लिए 1 बजे एक्टिव रहिए। सभी कोई स्नान वगैरह कर लीजिए, खाना पीना खा के तंदुरुस्त रहिएगा। 1 बजे लाइव आ जाएंगे, पक्का 1 बजे लाइव आएंगे। अब वो भी आएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक का चैप्टर लेकर, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई होगी। ठीक है, हर एक एक बात समझ में आएगी, ये हमारी गारंटी है। आपको हम गारंटी दिलाते हैं, दिलासा दिलाते हैं, एक एक बात समझा कर जाएंगे, सीधे दिमाग में उतार के जाएंगे। ओए, खिचड़ी पका रहा है, है? तो ज्यादा बोले ना, खाली अभी देखो ना, अभी कलशवा आप करेंगे और धर के भी देखना चारों बगल से, इधर से लेके हम जो है ना क्या बोलते हैं, तू लोग जो बैठा है चला जिस आकार में बैठे हो, ये कैसा आकार है? हैं, रेक्टेंगल के आकार में बैठा है ना, रेक्टेंगल के आकार में बैठे हो ना सब। अरे रेक्टेंगल की क्या होती है, लंबाई चौड़ाई होती है ना, तो लंबाई चौड़ाई है ना, तो हम उसको जो है ना चला परिधि बना कर मारेंगे। कोमल कुमारी, गुड मॉर्निंग सर जी। वाह कोमल, क्या बात है, आप बहुत फास्ट है। मजाक कर रहे हैं, ठीक है। क्लास जो है ना कोमल जी, अब खत्म हो चुकी है, क्लास 6 बजे से ही स्टार्ट थी, शायद आप लोगों ने कल की क्लासों में जो है ना ध्यान नहीं दिया बातों पर। ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं है, वीडियो अपलोड रहेगा, आप वहां से जाके उसको देख लेना, ठीक है। चलिए, टाइम भी हो चुकी है, 7:04 हो गया है। अच्छा, जरा सा इतना सा आप सभी को ही बता दीजिए, ये जो अभी अभी सवाल किए आप लोग, इनमें से किसी को कोई डाउट है ये बताइए, जल्दी से बता। तुमसे पूछ रहे हैं, तुम काहे बोल रहा है? अगर इनमें से किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए। तुम लोगों से बातें होते रहती है ना, है तो थोड़ा सा तो ऑनलाइन वाले से भी बात करने का मौका दे दिया जाए, तो तू लोग गलर गलर हरदम करेगा, कैसे बात करेंगे? तू लोग शांति बना के रखो 2 मिनट, अभी 2 मिनट के बाद जो है ना सब भी बातचीत करेंगे, ले धनादन घुसा घुसी सब दे देंगे, ठीक है, फटाफट। चलिए, कोमल यादव,
कोई डाउट नहीं है सर जी, गुड। चलिए और किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए, और आप लोग एक एक जो है ना ध्यान दिया कीजिए, हर हमेशा एक दूसरे को जोड़ने का, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुटेगा क्लास में, उतना ही आनंदमय होने वाला है क्लास, ठीक है। उतने ही मज़े से पढ़ाई होगा, उतने मज़े से हम पढ़ाएंगे। चलिए कोमल कुमारी सर, हम क्लास नहीं किए थे। कोमल कुमारी सर, हम क्लास नहीं किए थे। तो 6 बजे क्लास करना है, 6 बजे लाइव आते हैं बेसिक के लिए, तो 6 बजे आना है। ध्यान रहे सभी को कि जो क्लास 7 बजे होती थी, अब वो क्लास 6 बजे हो रही है, ठीक है। अब वो क्लास आज से 6 बजे से हो गई है, तो ये डेली का रूल है कि 6 बजे ही होगी, ठीक है। और जिन किसी को भी 10th का आज के ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में आना है, तो वो सभी को लाइव 1 बजे आ जाइए, क्योंकि आज जो है 10th का भी क्लास होने वाली है। तो जिनको जिनको 10th का पढ़ना है, वो सब लाइव आ जाइए। और जो भी आपके आसपास हो या कोई रिलेटिव में हो, जो भी 10th में हो, आप उनको जो है ना थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए बोल दीजिए, एक्टिव होने के लिए उसको मैसेज कर दीजिए या उसे बता दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। अगर वगैरह बहुत सारा रास्ता है उनके जानकारी देने के लिए, तो जैसा सुविधा आप लोगों को लगे वैसा उनको पहुँचा दीजिए, संदेश पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से 1 बजे 10th की क्लास में। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्लास जो होता है, वो भी 8 बजे होती थी, लेकिन अब वो क्लास 3 बजे हो गई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सभी कोई ध्यान में रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो तैयारी कराई जाती थी, कॉम्पिटिशन का जो क्लास होता था, वो हमारा पहले होता था 8 बजे रात में, और अब होता है 3 बजे के दोपहर में, ठीक है। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी को टाई टाई, सभी को बाय बाय। Non, 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 non